आज हमारे आधुनिक भारत के निर्माता स्वर्गीय राजीव गांधी जी की जयंती पर मैं शत शत नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। साथ ही हमारे हिंदुस्तान के युवा दिलों की धड़कन श्रीनिवास जी को प्रणाम करता हूं। आज ये ताल कटोरा स्टेडियम, इनके माध्यम से पूरा खचाखच भरा हुआ है। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमें खुशी है कि हम ऐसे संगठन से जुड़े हैं जो हिंदुस्तान को एक एकता में पिरोए रखने का काम करती है, वो है कांग्रेस पार्टी। आज कांग्रेस पार्टी ने, गांधी परिवार ने इस देश के लिए, ये 36 कौमों के लिए, दलित के लिए, आदिवासी के लिए, गरीब के लिए बलिदान देने का काम किया है, वो है गांधी परिवार। आज हमें गांधी परिवार को नहीं भूलना चाहिए। आज हम गांधी परिवार दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ, हर गरीब के साथ गांधी परिवार खड़ा रहता है, कांग्रेस पार्टी खड़ी रहती है। आज मैं इस मंच पर हूं, राहुल गांधी जी की देन से, कांग्रेस पार्टी की देन से मैं आज इस मंच पर खड़ा हूं। नहीं तो एक आदिवासी को प्रदेश अध्यक्ष कोई नहीं बनाता, एक आदिवासी को एमएलए कोई नहीं बनाता। अगर ये मुझे अधिकार दिया है, कांग्रेस पार्टी ने दिया है, गांधी परिवार ने दिया है, जब तक मेरे में सांस है, जब तक मेरे में खून है, मैं कांग्रेस पार्टी का, कांग्रेस पार्टी के लिए सिपाही बनकर कार्यकर्ता और कार्यकर्ता बनकर काम करूंगा। आज मोदी जी ने भले अच्छे दिन का वादा किया, 2 करोड़ नौकरियों की वादा किया, आज इस देश को अच्छे दिन की जगह पूरे इस देश को गर्त में डाल दिया है। लेकिन मैं युवाओं से कहना चाहता हूं, ये हमारी जिम्मेदारी है। राजीव जी भले चले गए, लेकिन राजीव जी हमारे दिल में बसते हैं। राजीव जी का अधूरा सपना हम युवा पूरे देश के मिलकर करेंगे और 2024 में राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाकर इस देश का सपना पूरा करेंगे। यह हमें यहां से प्रण लेके जाना चाहिए, यह हमें यहां पर एक प्रतिज्ञा लेके जाना चाहिए। आज गांधी परिवार ने, आज ईडी के माध्यम से, किसके माध्यम से, जो गरीबों के लिए बोलता है, जो युवाओं के लिए बोलता है, जो दलितों के लिए बोलता है, जो बेरोजगारों के लिए बोलता है, उसके लिए मोदी जी उनको डराना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं। लेकिन गांधी परिवार डरने वाला नहीं है, गांधी परिवार के साथ पूरा हिंदुस्तान का युवा खड़ा है। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूँ, मैं श्रीनिवास जी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और जब जब जरूरत पड़े हम सब आपके साथ हैं, गांधी परिवार के साथ हैं, कांग्रेस के साथ हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।